और तर्कश में अब आपको दिखाते हैं स्मृति ईरानी की वो मिमिक्री जो हर तरफ चर्चा में है। अमेठी में चुनाव प्रचार करते वक्त स्मृति ईरानी प्रियंका गांधी की मिमिक्री करती हुई दिखी है। ये रिपोर्ट देखिए। सपा के नेता है, ये चाहते हैं कि आपको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपके जज्बातों को उभार दे और फिर उस आधार पे वोट लेते हैं। यहाँ आई है कांग्रेस की नेत्री, कहने लगी कि बीजेपी क्या करती है, धर्म धर्म बोलती है। लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर सबसे दिलचस्प लड़ाई है उनमें अमेठी और रायबरेली भी शामिल हैं, यानी वो दो सीटें जिसमें कांग्रेस की साख दांव पर लगी है और यहां लड़ाई स्मृति वर्सेस प्रियंका है। प्रियंका भले ही चुनाव नहीं लड़ रही लेकिन इन सीटों पर उम्मीदवारों से ज्यादा प्रचार प्रियंका कर रही है। दो पावर लेडीज के बीच इस जंग में अब लड़ाई यहाँ तक आ पहुंची है कि लगातार वार प्रतिवार हो रहे हैं। प्रियंका बीजेपी पर रोज हमला करती है तो वहीं स्मृति ईरानी भी कोई मौका नहीं छोड़ती। ऐसा ही हुआ कल अमेठी में जनसभा में, जब स्मृति ईरानी प्रियंका गांधी की मिमिक्री करते हुए उन पर बड़ा वार करने लगी। यहाँ आई है कांग्रेस की नेत्री, कहने लगी कि बीजेपी क्या करती है, धर्म धर्म बोलती है। करती है कि नहीं करती रही है? यहाँ हंसो वाले हमको भी पता है, तुम भी फेसबुक किया ना, हम भी देखा। स्मृति ईरानी इस जनसभा में प्रियंका गांधी के प्रचार करने के अंदाज पर तंज कसती दिखी और बार बार जिस अंदाज में प्रियंका बात करती है उस अंदाज की नकल उतारती दिखी। स्मृति के निशाने पर प्रियंका के वो आरोप थे जो अपनी हर जनसभा में बीजेपी पर लगाती रही है। करने वाली दीदी, अगर काम करे मोदी तो वोट किसको मिलेगा? करते हुए कहने लगी, धर्म का इस्तेमाल करता रहा। हम कहे का धर्म का इस्तेमाल करते हैं भैया, हमको बतलाओ, राम मंदिर बनाया मोदी ने, पाप किया या पुण्य किया, बताओ। प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली में सुपर एक्टिव है, घर घर जाकर परिवारों से मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ स्मृति ईरानी तीसरी बार यहां से चुनाव लड़ रही है और अपनी सीट बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है। अमेठी में कांग्रेस उम्मीदवार भले ही केएल शर्मा हैं, लेकिन अमेठी में कांग्रेस के लिए प्रचार की जिम्मेदारी खुद प्रियंका गांधी ने संभाल रखी है। अमेठी के लोग इसे बड़ी दीदी और छोटी दीदी के बीच की लड़ाई बता रहे हैं कि पूरी कांटे की चल रही, कांटे की टक्कर है जी। तो लग रहा है छोटी दीदी और बड़ी दीदी में लड़ाई है, बहुत तगड़ी लड़ाई। केएल शर्मा भले ही प्रत्याशी हो लेकिन लड़ाई जो है तगड़ी लड़ाई चल रही गौरीगंज में। बड़ी अपनी जगह पे रहेगी, छोटी अपनी जगह पे रहेगी, सबका औंधा बराबर है सर, सबको सम्मान उतना ही मिलेगा जितना मिलना चाहिए, बड़ों को बड़ा वाला पे मिलेगा, छोटों को छोटा वाला मिलेगा सर। दरअसल अमेठी में अगर कांग्रेस प्रत्याशी केएल शर्मा हारे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, मगर स्मृति ईरानी की हार इतिहास बना सकती है। यही वजह है कि कांग्रेस की पूरी कोर टीम अमेठी पर केंद्रित है। वहीं स्मृति ईरानी लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट बनाने की लगातार कोशिश में जुटी है और मोदी सरकार के काम गिनाकर वोट मांग रही है। हम इतनी कीचड़ में जाते थे, अब क्यों जाते थे भैया, रोड बना लिए, 262 गांव में पक्की सड़क हम बनाए कि नहीं बनाए, ऐसे ऐसे करके गई है दीजिए। अमेठी रायबरेली की लड़ाई कांग्रेस के लिए कितनी अहम हो चुकी है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद सोनिया और पूरा इंडी गठबंधन यहां प्रचार करने आ रहा है। दोनों ही सीटों पर 20 मई को वोटिंग होगी जिसके लिए चुनाव प्रचार कल थम जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।